सो गाइज, इंडिया में आपको रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है 15,000 की कीमत में, और यहीं पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 जो है गाइज वो आपको मिल जाता है 13,000 की कीमत में। कन्फ्यूजन इस बात का कि बहुत सारे ऑडियंस सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे उनके लिए बेटर कौन सा है, सैमसंग गैलेक्सी M21 या फिर रेडमी नोट 8 प्रो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग आगे तक बने रहिए, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, रेडमी नोट 8 प्रो या फिर सैमसंग गैलेक्सी M21। और इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, आपके दो बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके डिटेल्ड कंपैरिजन मिल जाएगा इस वीडियो में आपको रेडमी के नोट 8 प्रो एंड सैमसंग गैलेक्सी M21, जिसके बेस पे आप लोग आसानी से देख सकते हो कि कौन बेटर है कौन नहीं। इसके साथ ही कंक्लूजन वाला पार्ट जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए एंड किस बेसिस के रीज़न पे, सिर्फ प्राइस और स्पेसिफिकेशन नहीं, कई सारी चीज़ों को मैटर करते हुए। तो चलिए गाइज, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात कर लेते हैं डिस्प्ले वाले पार्ट से। तो रेडमी नोट 8 प्रो में गाइज आपको 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाती है। साथ ही बात कर लूँ सैमसंग गैलेक्सी M21 में, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच की सैमसंग की आने वाली सुपर एमुलेट इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात की जाए तो ऑब्वियसली बेटर है M21, लेकिन अगर हम लोग स्क्रीन साइज की और प्रोटेक्शन की थोड़ी सी बात कर ले तो यहाँ पे बेटर है यहाँ पे आपके रेडमी नोट 8 प्रो। बात कर लूँ यहाँ पर कैमरा कंपैरिजन की, तो रेडमी नोट 8 प्रो में आपको स्क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में, और इसी स्मार्टफोन में आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा मिलता है जो आपको ड्यू ड्रॉप नॉच टाइप देखने को मिल जाता है। बात कर लो अगर यहां पर सैमसंग गैलेक्सी M21 में, तो यहां पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो आता है आपका 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में, और इसी स्मार्टफोन में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहां पे आप लोग डिफरेंसेस कर सकते हो कि सेल्फी कैमरा तो ऑब्वियसली सेम है, लेकिन यहां पर जो क्वाड कैमरा की वजह से उसमें रेडमी नोट 8 प्रो कई ज्यादा बेटर है कैमरा के मामले में रियर साइड से। बाकी आपको जो सेल्फी है वो दोनों में इक्वल देखने को मिल जाती है। साथ ही गाइज अगर बात कर लूं बैटरी कंपैरिजन की, तो रेडमी नोट 8 प्रो में आपको 4500 एमएच की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है 18 वॉट के फास्ट चार्जिंग एडाप्टर के साथ में, और यूएसबी टाइप सी केबल आपको रेडमी नोट 8 प्रो के डब्बे में ही देखने को मिल जाता है। बात कर लूं अगर यहां पर सैमसंग गैलेक्सी M21 की, तो यहां पे आपको उससे 1500 एमएच ज्यादा 6000 एमएच की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, 15 वॉट का चार्जिंग एडाप्टर ऑब्वियसली फास्ट होगा, और यूएसबी ए टू सी केबल आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 में देखने को मिल जाता है। तो यहां पे आपको कैपेसिटी ज्यादा देखने को मिल जाती है और चार्जिंग एडाप्टर में भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूं प्रोसेसर कंपैरिजन की, तो रेडमी नोट 8 प्रो में आपको मीडियाटेक का हीलो G90T का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो गेमिंग के लिए ऑब्वियसली बहुत बेस्ट है। इसके साथ गाइस अगर मैं बात कर लूं सैमसंग गैलेक्सी M21 की, तो यहां पे आपको एक्सिनोस का 9611 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि बेस्ड है 10 नैनोमीटर पे, और ये आता है माली G72 की जीपीयू के साथ में। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूं स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो रेडमी नोट 8 प्रो में आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन एंड ट्रिपल सिम टेस्ट स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ट्रिपल सिम टेस्ट स्लॉट यानी डेडिकेटेड दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो बेसिकली, और यहां पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 में सेम स्पेसिफिकेशन यानी ट्रिपल सिम टेस्ट स्लॉट यानी डेडिकेटेड और रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहां पे आपको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूं बॉडी एंड कलर की, तो रेडमी नोट 8 प्रो में आपको ऑरा ग्लास पे बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है जिसपे मिलेगी आपको प्रोटेक्शन कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की, और यहां पे आपको चार कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं ग्रीन व्हाइट ब्लू एंड ब्लैक के साथ में। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूं सैमसंग गैलेक्सी M21 की, तो यहां पे आपको पॉली कार्बोनेट बॉडी मिलती है पैक साइड से जो कि आती है सैमसंग के खुद की यूनिबॉडी डिजाइन के साथ में, और यहां पे आपको दो कलर के वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं ब्लू एंड ब्लैक। बात कर लूं मेन चीज कीमत की, तो यहां पे आपको रेडमी नोट 8 प्रो के तीन वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट का स्टोरेज वेरिएंट मिलता है आपको मिलता है 15,000 की कीमत में। दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ में, वो मिलता है 16,000 की कीमत में। एंड फाइनली 8GB रैम एंड 128GB के स्टोरेज वेरिएंट वाला ऑप्शन मिलता है आपको 18,000 की कीमत में। यहीं पे अगर बात कर लूं सैमसंग गैलेक्सी M21 की, तो यहां पे आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। 4GB रैम 64GB का वेरिएंट मिलता है आपको 13,000 की कीमत में, एंड 6GB रैम 128GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलता है आपको 15,000 की कीमत में। तो यहां पर मैंने आपको दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M21 की एंड रेडमी के नोट 8 प्रो की। ऑब्वियसली अभी तक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा मनी मन कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है, लेकिन आपको कंक्लूजन वाला पार्ट बताना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आप लोग फिर अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपके यहाँ पे आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग बिल्कुल कंक्लूजन वाले पार्ट पे, और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि किस बेसिस पे आपको कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाने चाहिए। पहली बात आता है प्राइस यानी बजट पे। अगर आपका बजट रेंज 13,000 का है और आपका मतलब 12 से 13,000 के बीच में है और इससे ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो यहाँ पे बता देता हूँ अगर आप 13,000 की कीमत में M21 लेते हो तो ये स्मार्टफोन जो सैमसंग गैलेक्सी होगा ये सबसे ज़्यादा होगा आपके लिए ज़्यादा टाइम तक लंबा चलने वाला स्मार्टफोन। दूसरा ये आपके 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा जो ऑब्वियसली ठीक ही ठाक है, पर यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा है वो दोनों ही स्मार्टफोन में इक्वल है, इसलिए यहाँ पे आपको बेस्ट सेल्फी स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा।
13,000 की कीमत में, और यहाँ पे आपको मिलती है इसी प्राइस रेंज में एक अच्छी सुपर एमुलेट वाली डिस्प्ले जो कि सैमसंग की तरफ से खुद ही आती है, और आप लोग इसके ऑब्वियसली जानते हो कि बेटर परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक्जीनॉस का 9611 का प्रोसेसर, तो आप लोग मतलब ज़्यादा यहाँ पे ये आपके बैटरी एफिशिएंसी के लिए सही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है बैटरी बचेगा और ज़्यादा टाइम तक भी यूज़ कर पाओगे अपने स्मार्टफोन को। साथ ही यहाँ पे आप जो कुछ चीज़ों है उसको आसानी से डेली यूसेज की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हो। और साथ ही अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको जो बॉडी है वो मैं देखने को मिलेगी पॉली कार्बोनेट, तो आसानी से यहाँ पे डैमेज होने का चांसेस नहीं है। यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ रेडमी नोट 8 प्रो में, तो अगर आप 2000 ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो बैटरी है वो हालांकि M21 से बेटर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कैपेसिटी जो है वो 1500 mAh कम है, लेकिन ऑब्वियसली एवरेज स्मार्टफोन से थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन इसको इसी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 18W का चार्जर मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है अपने आप में ही। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है गाइज वो मिलता है मेन चीज़ इस प्राइस रेंज में 64 MP का क्वाड कैमरा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत अच्छा रियर कैमरा स्मार्टफोन हो जाएगा, और सेल्फी कैमरा आपको 20 MP का मिलता है, सो ऑब्वियसली ख़राब नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि Redmi Note 8 Pro का पहला एडवांटेज है कि ये आपको बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा 1.3 inches का डिफरेंस देते हुए मिल जाएगा Redmi के Note 8 Pro में, तो ऑब्वियसली काफ़ी आपको लंबी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। दूसरा, तीसरा जो मेन एडवांटेज है वो है इसका प्रोसेसर, जो कि गेमिंग प्रोसेसर होने वाला है, तो ऑब्वियसली Exynos के 9611 से बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको गेमिंग भी बहुत स्मूथली कर पाओगे, और साथ ही जो भी चीज़ें हैं उसको आसानी से आप लोग एनहेंस भी कर सकते हो। चौथी जो मेन चीज़ है वो मिलेगा आपको ये स्मार्टफोन जो है आपके लिए बेस्ट एक बेस्ट गुड लुकिंग टाइप कह सकते हो, और अच्छे ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में आने वाला है, जिसमें आपको आगे और पीछे मिलेगी प्रोटेक्शन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए जो शो ऑफ करने वाली जो चीज़ें होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। सो ऑब्वियसली आपको चार चीज़ें देखने को मिल जाती है। मेरा ओपिनियन जाने तो यहाँ पर आपके लिए 13,000 में, अगर आपका बिल्कुल बजट रेंज 13,000 में, और अगर आप लोग ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करते हो, आप लोग बस एप्लीकेशन ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करना होता है, और चाहते हो कि ज़्यादा टाइम तक आपका स्मार्टफोन चल भी जाए, आसानी से डैमेज भी ना हो, कैमरा आपको एवरेजली ही मिल जाए, तो यहाँ पे आपके लिए 13,000 में M21 बहुत अच्छी डील होगी। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बढ़ा सकते हैं अपने प्राइस रेंज को, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी Redmi के Note 8 Pro में। जैसे यहाँ पे आपको पहले बार तो बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन मिलेगा, दूसरा आपको गेमिंग स्मार्टफोन मिल जाएगा, तीसरा यहाँ पे आपको गुड लुकिंग कह सकते हो अच्छी ग्लास बैक बॉडी वाला मिल जाएगा, जिस पर आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी, और थोड़ी सी लंबी इंच की डिस्प्ले वाली भी देखने को मिल जाएगी। और जो एक चीज़ का और बेनिफिट है वो ही ये कि M21 का जो वेरियंट स्टार्ट है वो 4GB की रैम से, और यहाँ पे Redmi के Note 8 Pro में आपको 6GB का रैम मिलता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको रैम का भी 2GB का बेनिफिट हो जाएगा। तो गाइस ये तो था मेरा ओपिनियन आप सभी लोगों के लिए। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया या नहीं आया, आपको ये वीडियो पसंद आई नहीं आई, ऑब्वियसली सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि मैं आने वाले टाइम पे देख सकूं कि आपको कितना अच्छा फीडबैक है। साथ ही अगर आपको इस वीडियो में लगा कि हाँ भाई कुछ और चीज़ें भी एड्स ऑन करके बताई जानी चाहिए थी, सो प्लीज़ 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 आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में अपने कंटेंट को और ज़्यादा इंप्रूव करके आप तक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा गुड बाय बाय बाय, धन्यवाद।